अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन का देगी कोरमा, बिल्कुल देगी स्टाइल में। आप जरूर इसको ट्राई करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए लिए हमने हाफ के जी चिकन, 1 कप ऑयल लिया। इससे हम थोड़ा और ऐड कर देंगे, कोरमे में ज्यादा अच्छा लगता है। 2 टीस्पून हमने लाल मिर्च लिए, हल्दी 1/2 टीस्पून है, 1 टीस्पून नमक लिया है और 1/2 टीस्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्च लिए। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालनी तो आप इसकी क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा कर लें। 1/2 टीस्पून हमने धनिया पाउडर लिया है और ये कोई भी कोरमे का मसाला ले लें, किसी भी कंपनी का। ये 1 टेबल स्पून लिया हमने भर के। हमने तकरीबन ये 6 सब्ज़ी इलायची ली हैं और 2 जो है वो बड़ी वाली इलायची हैं, 3 लौंग ली हैं और तकरीबन 7 से 8 जो है ना हमने काली मिर्च ली हैं। प्याज हमने 2 दरमियानी से थोड़ी सी ज्यादा ली है और इनको बिल्कुल बारीक एक जैसा काटें ताकि ये बिल्कुल इक्वल ब्राउन हो, वरना कुछ काली और कुछ डार्क ब्राउन हो जाएंगी तो अच्छी नहीं लगती। पाव हमने दही लिया है जिसको बहुत अच्छी तरह हमने व्हिस्क कर लिया है। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए कोरमा, वरना अच्छा नहीं बनता। और आप 1.5 पाव भी ले सकते हैं, जितना आप दही डालेंगे यानी 1/2 किलो भी डाल सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। एक पैन में हम ऑयल ऐड कर देंगे। जो प्याज बारीक काटे थे वो हम ऐड कर लेंगे। इसको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे, डार्क कलर नहीं लेकर आना। जैसा हम कलर लाएंगे और कोरमा हमारा वैसा ही लुक देगा, तो इसको ज्यादा डार्क कलर नहीं लाना है, गोल्डन गोल्डन ब्राउन करना है। क्रिस्पी हो जाए प्याज तो फौरन निकाल लेने हैं। देखिए कलर कितना अच्छा आ चुका है, बस अब इस पॉइंट पर हम इसको फौरन निकाल लेंगे। प्याज जो है वो हमने निकाल लिए हैं, बहुत अच्छा कलर आया उनका, और उनको फ्रीजर में रख दिया ताकि वो हीट से ज्यादा ना कुक हो जाए। अब हम इसी ऑयल में ये अपना गरम मसाला ऐड कर देंगे। इसको हमें रोस्ट करना है थोड़ा सा कि इसकी खुशबू आने लगे, ज्यादा नहीं जलाना हमें, बस गोल्डन हो जाए तो आप इसमें चिकन ऐड कर देंगे। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे, थोड़ा सा हमें गोल्डन कलर देना है चिकन को। इसके बाद जो है हम बाकी मसाले ऐड करेंगे। एक 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे और बाकी मसाले भी ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक को हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। इसके बाद हम सारे मसाले ऐड कर देंगे इसमें, कि हमने कोरमा मसाला ऐड कर दिया, हल्दी ऐड कर दिए, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और नमक। अब इसको हम थोड़ा भून लेंगे अच्छी तरह इन मसालों को, ताकि कच्चे मसालों की बिल्कुल भी ना आए। मसाले को बहुत अच्छी तरह भून लें, इसमें बिल्कुल कच्चे मसाले की ना आए। फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। मसाला अच्छी तरह भून चुका है, अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। जितना आपको डालना है, गाढ़ा रखना है कोरमे को, मैं अंदाजन 1.5 गिलास पानी डाल रही हूँ उसमें। अब हमें चिकन को इसमें कुक करना है थोड़ी देर, 15 मिनट हम पकाएंगे, इसके बाद हम बाकी चीजें डालेंगे। हमने गैस ऑफ कर दी थी ताकि हम इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो खत्म कर सकें। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। 15 मिनट हमने इसको कुक किया अभी तक, इसकी वजह ये है ताकि दही जो है वो फटे ना, वरना अक्सर ऐसा होता है कि हम दही डालते हैं किसी भी खाने में, वो पकड़ा होता है तेज आंच पर, बॉइलिंग पॉइंट पर होता है, तो उसमें दही और पानी अलग अलग हो जाता है। दही को अच्छी तरह मिक्स कर लें, उसके बाद हम गैस ऑन करेंगे। प्याज को मैंने अच्छी तरह क्रश कर लिया था और इससे जो है ना हाथ से करेंगे तो अच्छा रहेगा, ग्राइंडर में करने से जो है वो पेस्ट बन जाता है, जो उसमें कोरमे को दानेदार नहीं बनाता और टेस्ट में भी फर्क आ जाता है। आप इसको हाथ से क्रश करें या फिर इमाम दस्ता ले लें या किसी स्पून से कर दें, मैंने तो स्पून से किया है। बस अब इसको तकरीबन 10 मिनट हमें स्टीम पर रखना है दरमियानी, और हमारा कोरमा रेडी हो जाएगा। इसकी दही जो है वो भी कुक हो जाएगी, जो वाइटनेस आ रही है वो भी खत्म हो जाएगी। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान रेसिपी है। अब इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट पकाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इस पॉइंट पर अगर आप चाहें तो इसमें 1/2 टीस्पून जो है वो केवड़ा ऐड कर दें,
बिल्कुल चंद ड्रॉप्स, और बहुत थोड़ी सी 1/4 जो है हम इसमें जायफल जावित्री पिसी हुई डाल रहे हैं। इसको 5 मिनट हम दम पे रख देंगे और इसकी खुशबू मजीद इंक्रीज हो जाएगी। आप चाहे तो डालें चाहे तो ना डालें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।